अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का मंदिर भ्रमण, जानिए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन क्या हुआ। आस्था के सफर में IRCTC की सौगात, 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाने की है तैयारी और नए स्वरूप में भगवान जगन्नाथ का धाम, जगन्नाथ दर्शन के लिए 800 करोड़ में बना गलियारा। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कर लेते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अनुष्ठान से जुड़ी कई पूजा पुरोहितों ने संपन्न करवाई, जिसके तहत कलश यात्रा, श्रीराम यंत्र पूजन, सुवासिनी पूजन और वर्धिनी पूजन करवाया गया और साथ ही मंदिर परिसर में पहली बार रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति को भ्रमण कराया गया, जो जल यात्रा का हिस्सा है और इस दौरान फूलों से सजी पालकी में रामलला के विग्रह को रखकर मंत्रोच्चार के बीच पूरे मंदिर परिसर में घुमाया गया। अयोध्या में हो रहे ये तमाम कर्मकांड काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की देखरेख में कराए जा रहे हैं। कुछ खास मौका है? आज खास मौका है ही है, राम जी आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और कोई क्या हो सी है। राम के नवमी नौबती बजे नौबती बजाई हो, राम राम लीन है हो, राम लीन। इस कलश यात्रा के संपन्न होने के कुछ देर बाद केरल से आए संत स्वामी सुनील दास मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रामानंद दास की अगुवाई में श्री राम यंत्र पूजा विधि विधान के साथ कराई गई। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम यंत्र पूजा को बहुत अहम माना गया है। बताया गया कि इस पूजित श्री राम यंत्र को ही बाल स्वरूप प्रतिमा के नीचे रखा जाएगा, इसके बाद मूर्ति की स्थापना गर्भ गृह में होगी। श्री राम यंत्र का जो पूजन है, जो प्रतिष्ठा के लिए जो पूजन है, वो इस वक्त अयोध्या में चल रहा है। कई जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, वो उस यंत्र की, श्री राम यंत्र का पूजन और प्रतिष्ठा के लिए उसकी जपों का पाठ कर रहे हैं। ये जो पूजन हो रहा है इस वक्त श्री राम यंत्र का, और बाल्य रूप जो भगवान का दिख रहा है, जो मंत्र हैं, ये क्या हैं? हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है कि यंत्र पर देवता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो जैसे मंत्राधीनम ही देवता, देवता मंत्र के अधीन होता है, और साथ ही यह भी कहा गया है यंत्राधिष्ठित देवता, यंत्र पर देवता की प्रतिष्ठा होगी। अर्चा विग्रह की, पांच विग्रहों का हमारे यहाँ अवतारों का भगवान का स्वरूप है, उसमें पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। अर्चा अवतार में भगवान सबके लिए सुलभ हैं और वह श्री राम के जितने मंत्र और उनकी विधि है वो यंत्र में अक्षर के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान में मुख्य यजमान बने अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने सरयू तट पर पूजा अर्चना की। ये पूजा काशी से आए आचार्य सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कराई, जिसे ही सुवासिनी पूजन और वर्धिनी पूजन कहा गया है। इस दौरान यजमान अनिल मिश्रा ने तांबे के कलश में सरयू का पवित्र जल भरा और फिर ये जल 7 अलग अलग पूजित कलशों में डाला गया। इसके बाद सरयू जल से भरे इन कलशों को लेकर मंडप में लाया गया। बताया जा रहा है कि गर्भगृह के शुद्धिकरण और मूर्ति के अभिषेक में इसी जल का इस्तेमाल किया जाएगा। सरयू के किनारे जो अनुष्ठान है उसे खत्म करने के बाद अब ये लोग राम मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, बकायदा अनुष्ठान के बाद ये पूरा इनका परिवार निकला है। ये कौन सी पूजा आप लोगों ने? कलश यात्रा। क्या क्या हुआ इसमें? इसमें इस कलश का पूजन करके राम जन्मभूमि जा रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। पूजा बहुत अच्छा हुआ है और जान लीजिए रोम रोम में भगवान जैसे वास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े ये अनुष्ठान 22 तारीख तक यूं ही चलेंगे, जिसके तहत गुरुवार का दिन अनुष्ठान के लिए काफी अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल से गणेशाम्बिका पूजन के साथ ही राम मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से जुड़ी पूजा संपन्न होने के बाद अब से कुछ ही देर पहले बाल स्वरूप रामलला की प्रतिमा को फूलों से सजे ट्रक में रखकर राम मंदिर ले जाया गया और इस दौरान वहां मौजूद साधु संतों ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। ये तस्वीरें उसी पल की हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस मूर्ति को जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तराशा है और इसे बनाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस घड़ी का इंतजार हर किसी को था वो आ गई है। योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई वो रामलला की मूर्ति जो गर्भगृह में स्थापित होगी वो अब यहां से निकलने जा रही है। अगला फ्रेम आपको हम दिखाएंगे वहां से, जहां से आप देखेंगे वो ट्रक जिसमें योगीराज अरुण की बनाई हुई रामलला की वो भव्य मूर्ति विराजमान है। क्रेन के जरिए इस ट्रक में इस मूर्ति को रखा गया है और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मूवमेंट शुरू हो गया है और इसी ट्रक के जरिए ये मूर्ति मंदिर परिसर में दाखिल होगी और मंदिर परिसर में ही भ्रमण होगा। हालांकि पहले ये भी बात थी कि पूरे इलाके में पूरे सिटी में भ्रमण करवाएंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इसको स्थगित किया गया था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो भी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही हैं और एक तस्वीर आपको हम यहाँ से दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दिन जरूर कहा जाएगा अयोध्या के लिए, लेकिन उस लिहाज से यहाँ पर रामलला की जो मूर्ति है वो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी ट्रक में, ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और इस तरफ से जयघोष भी हो रहा है और ये ट्रक देख सकते हैं चल रही इसी ट्रक में जिसमें आपको पीले रंग की पॉलिथीन नजर आ रही है, पूरी तरीके से इसे कवर किया गया है। ये वो ट्रक है, इसी में रामलला विराजमान है गर्भगृह में। जो रामलला होंगे वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ अयोध्या से पूरी तरीके से ट्रक को कवर किया गया है और पीछे पुलिस की तमाम गाड़ियों के साथ ये काफिला अब यहाँ से निकल चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश भर में शुरू हो चुका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन एक राम भजन सोशल मीडिया पर शेयर कर, और इसी कड़ी में आज उन्होंने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को याद कर उनके गाए आखिरी श्लोक को दर्शकों के साथ शेयर किया है। साथ ही एक दिलचस्प जानकारी भी प्रधानमंत्री ने साझा की है और बताया कि दुनिया को अलविदा कहने से पहले लता मंगेशकर ने आखिरी बार जो भजन रिकॉर्ड किया वो भजन राम से जुड़ा श्लोक था और इस भजन का नाम श्री राम अर्पण है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने पोस्ट में लिखा है कि देश के बड़े उत्साह के साथ 22 जनवरी का इंतजार देश कर रहा है और जिन लोगों की कमी खलेगी उनमें से एक हमारी प्यारी लता दीदी है। जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से राम मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से तीर्थ यात्रियों को अयोध्या पहुंचने के लिए रेलवे ने भी खास तैयारी की है। खबर यह है कि भारतीय रेलवे 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर पाए। रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इन ट्रेनों में बुकिंग सिर्फ IRCTC के जरिए ही की जाएगी।
प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आते ही देश भर से राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। कोई अपनी गाड़ी से अयोध्या पहुंच रहा है, कोई हवाई जहाज से और कोई ट्रेन से रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहा है। इन तीर्थ यात्रियों की संख्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद और बढ़ने वाली है, लिहाजा रेलवे 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर सके। ये आस्था स्पेशल ट्रेनें पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर से चलाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देश भर से लाखों लोग अयोध्या आना चाहेंगे। उनको आने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे भी तैयार है और 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। इन ट्रेनों का नाम होगा आस्था स्पेशल ट्रेन। खास बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये ट्रेनें अयोध्या धाम आएंगी और अयोध्या पहुंचने के बाद यहां पर बड़ा क्राउड ना हो जाए उसको मैनेजमेंट करने के लिए 5 रेलवे स्टेशन आसपास के चिन्हित किए गए हैं। रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग सिर्फ IRCTC के माध्यम से ही होगी और ट्रेनों में शुद्ध शाकाहारी भोजन भी IRCTC की ओर से ही मुहैया करवाया जाएगा। इन ट्रेनों में सफर करने पर यात्रियों को रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज, खान पान शुल्क, सेवा शुल्क और GST जैसे शुल्क देने होंगे। इस ट्रेन की खासियत ये होगी कि ये अपने निर्धारित स्थान से बनकर चलेगी और जब आप टिकट बुक कराएंगे तो आपको रिटर्न टिकट करानी होगी। इसका मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक, तो अगर मुंबई से ट्रेन बनकर चलेगी तो मुंबई से सीधा अयोध्या और फिर वापस मुंबई ये ट्रेन आएगी। IRCTC इस ट्रेन में खाना देगी और पूरी तरीके से शाकाहारी खाना खाने के लिए उपलब्ध होगा। टिकट की प्राइस क्या होगी वो अभी तक सरकार ने रिवील नहीं किया है, लेकिन साथ ही साथ केटरिंग, कुछ सुपरफास्ट सरचार्ज और GST वगैरह भी इस टिकट पर लगाई जाएगी। हालांकि क्योंकि 200 से ज्यादा ट्रेनें हैं तो देश के विभिन्न कोनों से अगर बात करें दक्षिण भारत की या बात करें उत्तर पूर्वी भारत की, सब जगह से बहुत सारी ट्रेन बनकर चलेंगी। इन आस्था स्पेशल ट्रेनों को चलाने के साथ ही रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी अभियान तेज कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आई इस तस्वीर में RPF और GRP की मुस्तैदी को देखा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन में या स्टेशन परिसर में कहीं भी कोई संदिग्ध लवारिस वस्तु दिखाई देता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो इसकी सूचना तत्काल RPF के अधिकारी या GRP के या कोई भी रेल कर्मचारी ऑन ड्यूटी उसकी सूचना तत्काल दीजिए। स्टेशन पर सामान की चेकिंग के साथ ही रेलवे के सुरक्षा अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं ताकि यात्रियों को सफर में कोई परेशानी ना हो। और आप लोगों को ये बात बताई जा रही है कि आपकी जो अपनी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के साथ साथ आपको और संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। इतना ही नहीं, CCTV कैमरों, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देश के बड़े शहरों से अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी लगातार काम चल रहा है। इसी के तहत आज इंडियन एयरलाइंस की अयोध्या से कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। दिल्ली से बिलन शर्मा, अयोध्या से बनवीर सिंह और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की। देश के चार धामों में शामिल पुरी के जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है। इस शुभ कार्य को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक श्री श्री दिव्य सिंह देव के साथ मिलकर किया। करीब 800 करोड़ की लागत से बने श्रीमंदिर परियोजना से भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्तों को उनके दर्शन में आसानी होगी। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर के तहत जगन्नाथ मंदिर के बाहरी दीवार यानी मेघनाथ पचेरी के चारों तरफ 75 मीटर चौड़ा गलियारा बना है जिसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस गलियारे का इस्तेमाल
परिक्रमा पथ के तौर पर किया जाएगा और इसी वजह से इसका नाम श्रीमंदिर परिक्रमा पथ रखा गया है। आस्था के इस गलियारे में भक्तों की सुरक्षा और सहूलियत पर विशेष जोर दिया गया है। श्रीमंदिर परिक्रमा पथ पर एक वक्त पर 6000 भक्त परिक्रमा कर पाएंगे। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर को 9 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले 7 मीटर की चौड़ाई वाला ग्रीन जोन है, जो जगन्नाथ मंदिर की बाहरी दीवार यानी कि मेघनाथ बचेरी से सटा हुआ है। 7 मीटर की चौड़ाई वाले ग्रीन जोन में 2 मीटर का कंक्रीट एरिया बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल मंदिर के स्टाफ मेंटेनेंस के लिए करेंगे। बाकी बचे 5 मीटर के इलाके में 1 फीट ऊंचा गार्डन होगा। इसके बाद 10 मीटर का भीतरी परिक्रमा पथ आता है, जिसका इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ की झांकियों को निकालने के लिए किया जाएगा और इसी में एक वक्त पर 6000 भक्त परिक्रमा भी कर पाएंगे। भीतरी परिक्रमा के बाद 14 मीटर के लैंडस्केप जोन की बारी आती है, जिसमें पेड़ों और झाड़ियों की स्थानीय प्रजातियां लगाई गई हैं। फिर आता है 8 मीटर का बाहरी परिक्रमा पथ, जो दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है और इन्हीं पेड़ों की छांव में श्रद्धालु पदक्षिणा कर पाएंगे। पदक्षिणा का मतलब भगवान के चारों ओर घड़ी की दिशा में ही गोल गोल घूमना। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ के भक्तों की सहूलियत 10 मीटर का पब्लिक कन्वीनियंस जोन भी बनाया है और इस जोन में श्रद्धालु के लिए रेस्ट रूम्स हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, डोनेशन कियोस्क भी बनाए गए हैं। इसी इलाके में भगवान जगन्नाथ के भक्तों के आराम के लिए भी शेल्टर पवेलियन बनाए गए हैं। पब्लिक कन्वेंस जोन के बाद आता है 4.5 मीटर का सर्विस लेन, जिसका इस्तेमाल सर्विस व्हीकल के लिए किया जाएगा, जिससे पूरे हेरिटेज कॉरिडोर का रखरखाव किया जाएगा। फिर आती है 4.5 मीटर की इमरजेंसी लेन। किसी भी तरह की इमरजेंसी या फिर आपदा के दौरान इसका इस्तेमाल शटल बस और इमरजेंसी व्हीकल के तौर पर होगा। इमरजेंसी लेन के बाद 7.5 मीटर का मिक्स्ड ट्रैफिक लेन है। हेरिटेज कॉरिडोर के चारों तरफ गाड़ियों की आवाजाही के लिए ही इस लेन को तैयार किया गया है। अब इसके बाद आता है 7 मीटर का फुटपाथ, जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु इस्तेमाल करेंगे। इसमें मंदिर के प्रबंधन से जुड़े सेवकों पदाधिकारियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।